हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा पाइनएप्पल का प्लांट है जिसमें अभी छोटा सा पाइनएप्पल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, पाइनएप्पल एक ट्रॉपिकल प्लांट है। इसको गर्मी में आसानी से ग्रो किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि ये ट्रॉपिकल प्लांट है, ये तो ये इजीली गर्मी में या फिर समर सीजन में इजीली ग्रो किया जा सकता है। ये मिनिमम 20 से लेकर 40 तक का टेम्परेचर सहन कर पाता है। जब इस टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है तो इसकी पत्तियां आगे से सूखने लगती हैं। ये अपने आप को मेंटेन रखने के लिए इसमें पत्तियों के लास्ट छोर पर तीखे तीखे कांटे नुमा निकल आते हैं पत्तियाँ। इन्हीं कांटों की वजह से ये पानी का कम से कम लॉस करता है पानी का। जिन प्लांट्स में आगे पत्तियों में कांटे नुमा उभार होंगे वो पानी का कम से कम मिस यूज करेंगे। पाइनएप्पल को अनानास भी बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, पाइनएप्पल अनानास ही होता है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, ये प्लांटर अभी छोटा है। अब मैं इसको दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करूँगी। ये अभी गर्म हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से ये इसकी पत्तियाँ सूखने लग गए हैं। ये टेम्परेचर अभी सहन नहीं कर पा रहा है। अगर मैं इसकी रिपोर्टिंग कर दूँगी तो क्या पता ये ग्रो कर पाए या नहीं कर पाए दूसरे प्लांटर में। ये इजीली ग्रो हो सकता है कहीं भी। इसके लिए समर सीजन बेस्ट होता है। इसके लिए मैं इस प्लांट को खाद में वर्मी कंपोस्ट देती हूँ, कोकोपीट देती हूँ और चाय वगैरह का पानी और लिक्विड फर्टिलाइजर डालती हूँ, जिससे इसमें आसानी से फ्रूट निकल रहा है। एक छोटू सा है पाइनएप्पल निकला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।